हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सेजन फ्राइड नूडल, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ऑलरेडी हमने कढ़ाई गैस पे रख दी है, तेल गर्म हो चुका है। हमेशा नूडल बनाते समय, कोई भी चाइनीज आइटम बनाते समय ऑयल को किनारे से होते हुए ऐसे डालना है, और अगर आपके पास चाइनीज कढ़ाई है तो और भी अच्छा है। ऑयल पूरी तरह से गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक, इसी के साथ डालेंगे चिली, अनियन, फ्लेम को खुली रखेंगे। इसी के साथ हम ये कुछ कटी हुई वेजिटेबल्स डालेंगे, कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट, ग्रीन अनियन को हम बाद में डालेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसी ड्यूरेशन में डालेंगे अजीनोमोटो 1/4 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम डालेंगे टमाटो केचप, मिला देंगे अच्छे से। इसके बाद डालेंगे हम नूडल, जो हमने बॉईल करके रख लिए थे। आप देख सकते हैं पूरे एक एक नूडल खिले हुए हैं। इसका सीक्रेट ये है कि बॉईल होने के बाद मैंने इसमें ऑयल लगा के रख दिया था आधे घंटे के लिए। हमने अच्छे से सारी चीज़ें मिला ली है। अब इसी के साथ हम डालेंगे सेजवान सॉस। सेजन फ्राइड नूडल बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन अनियन, और अब हम इसे सर्व करेंगे। नूडल को हमने सर्व कर दिया है, थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ग्रीन अनियन। ये लीजिए, सेजन फ्राइड नूडल बनके तैयार है। आप इसको एक बार घर पे जरूर ट्राई करें। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन अनदर वीडियो।